Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 4 of general pathology, hemodynamic disorders, thromboembolic disease and shock. Is chapter ke 3 part. Pehle part mein hum hemodynamic disorders padhenge. Dusre part ke andar hum thromboembolic disease aur teesre part ke andar hum shock padhenge. To sabse pehla part start karne wale hain wo hai edema and effusion. एडिमा का क्या मतलब होता है? एडिमा का मतलब होता है किसी भी टिश्यू के अंदर जो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट होता है और इसका इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होता है उसमें एबनॉर्मल एक्सेस फ्लूइड एक्युमुलेशन, ठीक हो गया. और एडिमा का मेन कॉज होता है कि एडिमा का मेन कॉज यह होता है कि कार्डियोवास्कुलर, रीनल या हिपैटिक फ्लूइड, तीन सिस्टम खराब होते हैं या तीन ऑर्गन खराब होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रीनल या किडनी, तीसरा टिश्यू या ऑर्गन जिसको आप कह सकते हैं वह है लिवर. इनके फ्लूइड की वजह से अगर एक्सेस एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो और वो टिश्यूज के अंदर हो, टिश्यूज में भी दो जगह पे हो सकता है, एक है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट और एक दूसरा होता है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, उसको बोलते हैं एडिमा. लेकिन इन्हीं कंडीशन की वजह से चाहे कार्डियोवास्कुलर फेल्योर हो, रीनल फेल्योर हो या हिपैटिक डिसफंक्शन हो, उसकी वजह से एबनॉर्मल एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो, टिश्यू में तो हो तो एडिमा बोलते हैं, लेकिन यही अगर बॉडी कैविटीज के अंदर हो तो इसको इफ्यूजन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, तो उनको प्लूरल इफ्यूजन, पेरिटोनियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं. तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया कि टिश्यूज के अंदर एडिमा होता है और बॉडी कैविटी के अंदर इफ्यूजन होती है. नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर यह होता है कि जितना ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल ये होता है कैपिलरीज, ये ब्लड वेसल है और ये आप कह सकते हो लिम्फेटिक्स हैं और ये आप इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट बोल सकते हैं. अब जितना ज्यादा फ्लूइड आर्टेरियल एंड से जाता होता है नॉर्मली उतना ज्यादा वीनस एंड में नहीं आता होता और काफी ज्यादा फ्लूइड इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आता है. लेकिन जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आ जाता है वो लिम्फेटिक्स के जरिए वापस वीनस सर्कुलेशन में चला जाता है. जो लिम्फेटिक्स होते हैं लेफ्ट साइड का प्रीडोमिनेटली थोरेसिक डक्ट, राइट साइड का राइट लिम्फेटिक डक्ट, उनके जरिए लिम्फ जो असल में इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट का जो फ्लूइड होता है उसके ही असल में अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है तो वापस वीनस सर्कुलेशन तक पहुंच जाता है. असल में नॉर्मली होता ये है कि एक दो तरह के फोर्सेस काम कर रही होती हैं. एक फोर्स वो है जो फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रही है, वो फोर्स यहाँ पे लगी हुई है किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर या ब्लड वेसल के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होती है, जिसको आप कह सकते हो कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, या आप उसको कैपिलरी कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर या कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं. दूसरी फोर्स, सॉरी उल्टा बता दिया, ये वाली जो फोर्स जो फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रही है ये है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाली जो फ्लूइड को बाहर फेंक रही है, और एक फोर्स जो वापस फ्लूइड को खींच रही है जो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर या सिंपल ऑनकोटिक प्रेशर. अगर आपने ज्यादा फ्लूइड की एक्युमुलेशन करवानी है तो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ज्यादा करना पड़ेगा, इस ऑनकोटिक प्रेशर को कम करना पड़ेगा. इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ज्यादा होने की क्या क्या वजूहत होती है उसी के बेस पर हम इसके चार डिफरेंट कॉजेस पड़ेंगे. और प्लाज्मा कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर क्यों कम होता है वो भी हम सारी कंडीशन में देख लेंगे. लेकिन नॉर्मली होता है क्या है, नॉर्मली ये होता है कि जितना ज्यादा वेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाटर और साल्ट की फिल्ट्रेशन कराता है, फिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि ब्लड से चीज़ें इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आना शुरू हो जाए, तो उसको बोलते हैं सिंपल फिल्ट्रेशन. ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट होती है. नॉर्मली फिजियोलॉजिकली जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता होता है उसको बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर होता है. प्लाज्मा कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर उन्हीं वाटर और साल्ट्स को रीअब्सॉर्ब कर लेगा जिन वाटर और साल्ट्स की फिल्ट्रेशन करवाई थी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने. नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली थोड़ा सा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑनकोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से ज्यादा फ्लूइड की जो नेट टेंडेंसी है वो फिल्ट्रेशन की तरफ है, तो जो ज्यादा फ्लूइड फिल्टर हो जाता है उसको वापस पहुंचाने के लिए लिम्फेटिक्स होते हैं. लेकिन अगर इन लिम्फेटिक्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए या प्लाज्मा कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, इनकी वजह से एडिमा होने के चांसेस या इफ्यूजन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं. एडिमा टिश्यू के अंदर और इफ्यूजन होती है किसी बॉडी कैविटी के अंदर, प्लूरल, पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल कैविटी. तो आपने अगर एडिमा करवाना है तो फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा के कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर को कम करके और इसके साथ साथ इनकी वजह से होगा क्या, फिल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और फिर फिल्ट्रेशन को ज़्यादा करना पड़ेगा लिम्फेटिक ड्रेनेज से. तो तीन कंडीशन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा के प्लाज्मा कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर को कम करके, लिम्फेटिक ड्रेनेज को भी कम करके आप फ्लूइड को एक्युमुलेट करवाते हैं.
तो टिश्यू के अंदर तो उसको एडिमा बोलते हैं, लेकिन किसी सिरोजल सरफेस, क्योंकि किसी बॉडी कैविटी को लाइन करने वाले जो एपिथिलियम होती है ना, वो सिरोजल होती है, सिरोसा होती है, ठीक है, मीजोथिलियम होती है, उसको सिंपल क्या बोलते हैं, सिरोजा बोलते हैं उस एपिथिलियम की कवरिंग को। तो अगर सिरोजल सरफेस को इन्वॉल्व कर लिया तो फ्लूइड किसी बॉडी कैविटी के अंदर एकोमुलेट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल पुरुलर कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। अब चाहे एडिमा वाला फ्लूइड हो चाहे इफ्यूजन वाला फ्लूइड हो, दोनों के दोनों एबनॉर्मल एक्सेसिव एकोमुलेशन ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर फेलियोर, रीनल फेलियोर और हिपैटिक डिस्फंक्शन। किस तरह से ये चीज़ें करवाती है एडिमा इफ्यूजन, ये हम देख लेते हैं। लेकिन जो एबनॉर्मल एक्सेस फ्लूइड है वो इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है, नॉन इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है। इन शॉर्ट इन्फ्लेमेशन की वजह से भी एडिमा हो सकता है, इफ्यूजन हो सकती है नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। लेकिन इन्फ्लेमेशन वाला चैप्टर तो हम पहले कर चुके हैं, कुछ वीडियोस इसकी रह गई है, इंशाल्लाह ताला उसको अपलोड कर देंगे। तो एक एडिमा होता है इन्फ्लेमेटरी और दूसरा एडिमा होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी। इस चैप्टर के ऊपर जो हमारा मेन फोकस होगा वो नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी एडिमा को चैप्टर नंबर 3 के अंदर इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा। इन शॉर्ट आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन में होता है क्या, सबसे पहले वैस्कुलर डायलेशन होती है, वेसो डायलेशन होती है, फिर वैस्कुलर परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। उस वैस्कुलर परमिएबिलिटी के ज़्यादा होने की वजह से प्रोटीन रिच फ्लूड इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में एकोमुलेट हो जाता है, उस प्रोटीन रिच फ्लूड को एक्ज्यूडेट बोलते हैं। जबकि नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के अंदर जो प्रोटीन पुअर फ्लूड है वो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट पे आ जाता है, या असल में प्लाज्मा का आप कह सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है। तो नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा और इफ्यूजन में क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसड्यूसेट देखने को मिलेगा, या आपको हार्ट फेलियर, रीनल डिजीज, लीवर फेलियर के अंदर, मेल न्यूट्रिशन के अंदर देखने को मिलता है, जो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। अभी आपको मैंने बताया कि वन बाय वन हम एडिमा के कॉजेज का बताया था कि अगर आपने एडिमा करवाना है तो या तो आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आपको प्लाज्मा कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर कम करना पड़ेगा, या फिर ईसीएफ वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी वजह से भी इनडायरेक्टली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, सोडियम और वाटर की रिटेंशन तीसरा कॉज, चौथा ये कि लिम्फैटिक ड्रेनेज को बंद कर दे, लिम्फैटिक को ऑब्स्ट्रक्शन करवा दे, और पांचवा होता है यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फ्लेमेशन, लिखा हुआ है इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फ्लेमेटरी एडिमा, जबकि ऊपर वाली चार कंडीशन की वजह से नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा मेनली। पहले हम देख लेते हैं इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह दो तरह है, यानी दो तरीकों की वजह से आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा देते हैं, ये वाला प्रेशर, या तो आप क्या करें वीनस रिटर्न को इम्पेयर्ड कर दे, यहाँ पर ब्लड फ्लो, मिसाल के तौर पर ब्लड ने यहाँ पर जाना था वीनस रिटर्न, हार्ट के पास जाना था, तो अगर आप इस ब्लड को क्या कर दे ओक्लूड कर दे, वीनस रिटर्न को क्या कर दे खराब कर दे, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, या फिर आप आर्टीरियल एंड से ज़्यादा ब्लड आने दें कैपिलरीज की तरफ, तो यहाँ पर मुझे वेजोडाइलेशन करवानी पड़ेगी और इस तरफ से मुझे ये रास्ता बंद करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे रास्ता खोलना पड़ेगा, यहाँ से मुझे रास्ता बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला कॉज होता है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, वो होता है इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न। दूसरा कॉज होता है आर्टेरियोलर डायलेशन। आर्टेरियोल्स की डायलेशन किस वजह से हो सकती है, आपको पता है कि ब्लड वेसल के अंदर कुछ वेजो डायलेटर काम करती है, कुछ वेजो कॉन्स्ट्रक्टर काम करते हैं। वेजो कॉन्स्ट्रक्टर फॉर एग्जाम्पल एंडोथेलिन होता है, एंजियोटेंसिन 2 होता है, वेजोप्रेसिन, वेजो डायलेटर नाइट्रोकॉक्साइड मेनली। तो अगर आप न्यूरो हार्मोनल डिसरेगुलेशन कर ले, जिसमें आप वेजो डायलेटर को बढ़ा दे, वेजो कॉन्स्ट्रक्टर को कम कर दे, तो इसकी वजह से आर्टेरियोलर डायलेशन हो सकती है। हीट तो आपको नॉर्मल फिनोमिना पता है, हीट की वजह से क्या होती है वेजो डायलेशन हो जाती है, और जब भी आपने गर्मियों में देखा होगा आपकी स्किन फ्लश हो जाती है, क्यों, ताकि हीट को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी से निकाला जा सके, गर्म टेम्परेचर को, यानी थर्मो रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म है आर्टेरियोलर डायलेशन। वीनस रिटर्न को इम्पेयर्ड करना है तभी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसका पहला कॉज है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियोर। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियोर का मतलब होता है कि हार्ट सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लड की एक्यूमुलेशन हो रही है, ब्लड की पूलिंग हो रही है, तो उसको कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियोर। चूंकि ब्लड पंप नहीं हो पा रहा तो ब्लड वापस बैक फ्लो हो जाएगा, वेन्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा, और वेन्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर वेन्स के अंदर ब्लड के ज़्यादा एक्यूमुलेशन की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ दूसरी कंडीशन है कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाइटिस।
कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस का मतलब है कि जो हार्ट की पेरिकार्डियम है कवरिंग, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए और वो हार्ट को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दे कि हार्ट से इतना पंप नहीं कर पा रहा। इन दोनों कंडीशन के अंदर जो कार्डिक आउटपुट होती है वो गिर जाती है कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियाटिस में, इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, कंप्रेशन कर रहा है पेरिकार्डियम। एसआईटीज़ लीवर सिरोसिस, आपको पता है कि लीवर प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, लेकिन अगर अल्कोहल का ज़्यादा इंटेक कर लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का या किसी और दूसरे टॉक्सिन का, क्योंकि लीवर ने टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज करना होता है, तो उन टॉक्सिन ने लीवर को डैमेज करना शुरू कर देना। लीवर डैमेज हो गया तो हेपेटाइटिस और इसके बाद सिरोसिस हो जाएगी। सिरोसिस जब हो जाती है तो लीवर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, तो प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। अब होता इस वजह से ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन वाला भी आ सकता है यहाँ पे फार्मूला, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लूड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, ब्लड सॉरी ज़्यादा फ्लूड लीक आउट करना शुरू हो जाता है, रिटेंशन कम से कम हो जाती है। और दूसरी तरफ लीवर सिरोसिस का, अगर आपने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बढ़ाना, तो उसका मैकेनिज्म ये होता है इस तरह से कि जो लीवर है, लीवर के पास ब्लड फ्लो आता है। फॉर एग्जाम्पल ये है गट है, सपोज ये गट है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, सपोज दिस इज़ अ लीवर और ये है गट, गट का तमाम ब्लड आता है लीवर के पास। लेकिन अगर सिरोसिस हो गई है, सिरोसिस की वजह से क्या होगा, सिरोसिस की वजह से जो पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन हो जाएगी, क्योंकि पोर्टल वेन को ज़्यादा रेजिस्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट जो रेजिस्टेंस होती है टू द ब्लड फ्लो इन पोर्टल वेन वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आगे रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है सिरोसिस की वजह से। जो फिब्रोटिक टिश्यू है वो ब्लड को आगे जाने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से पोर्टल वेन के अंदर ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एसआईटीज देखने को मिलेगा। एसआईटीज का मतलब होता है पेरिटोनियल इफ्यूजन। तो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन से लिंक नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पे इंक्रीज रेजिस्टेंस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी, जिसकी वजह से एसआईटीज आपको देखने को मिलती है। वीनस ऑब्स्ट्रक्शन और कंप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई थ्रोम्बोसिस हो जाता है, थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन। तो थ्रोम्बस वो भी किसी वेन को ऑक्लूड कर सकता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा सकते हैं, या कोई एक्सटर्नल प्रेशर है, मैस है, फॉर एग्जाम्पल कोई मस्कुलर पार्ट है, कोई ट्यूमर है जो बाहर से कंप्रेस कर रहा है, ये भी एक कॉज हो सकता है इसका। लोअर एक्सट्रीमिटी इनएक्टिविटी, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की हड्डी टूट गई है टांग की, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा अर्से तक बेड रेस्ट करवा दिया है, तो मस्कुलर इनएक्टिविटी है। अब मस्कुलर इनएक्टिविटी होगी तो जो वेन का ब्लड है वो हार्ट की तरफ पंप नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा, मसल्स को मूव नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लोअर लिम के अंदर ब्लड की पूलिंग हो जाएगी, फाइनली उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। आर्टेरियल डायलेशन बता चुका हूँ। अब जो वीनस प्रेशर, वीनस रिटर्न को इम्पेयर्ड करना है, तो ये लोकल भी हो सकता है और सिस्टेमिक भी। फॉर एग्जाम्पल लोकल का मतलब होता है कि किसी लोअर लिम के ऊपर प्लास्टर चढ़ा दिया है या इमोबाइल लोअर लिम है, तो वहाँ पर डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, डीप वेन्स में थ्रोम्बस बन जाएगा। थ्रोम्बस क्यों बनेगा, स्टेसिस की वजह से और हाइपर कोगुलेबिलिटी की वजह से, वो भी इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। या फिर इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न की वजह से सिस्टेमिक एडिमा भी देखने को मिल सकता है, इसकी एग्जाम्पल है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दूसरा कॉज होता है रिड्यूस प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल को आपने कम कर देना है। प्लाज्मा प्रोटीन में जो एल्ब्यूमिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो आप इनकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर दें, या इसका सर्कुलेशन से इसके सिंथेसिस को कम करके या इसके लॉस को बढ़ा दो सर्कुलेशन, तो एल्ब्यूमिन का लेवल क्या हो जाएगा, प्लाज्मा के अंदर कम हो जाएगा। अब एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस किन किन कंडीशन के अंदर कम होती है, बाजू के ऐसा होता है कि लीवर की सिरोसिस होती है तो एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस कम से कम होती है, या मेल न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिएंट हम सही तरह इंटेक नहीं कर पा रहे, अमाइनो एसिड नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से नई प्रोटीन नहीं बन पाती, या एल्ब्यूमिन लॉस हो रही है, यूरिन के अंदर लॉस हो रही है, तो इसके एग्जाम्पल है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें असल में होता यह है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी की परमिएबिलिटी कुछ ज़्यादा हो जाती है, ग्लोमेरुलस के अंदर बड़े बड़े सुराख आ जाते हैं, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन यूरिन के अंदर लीक आउट कर जाती है। या फिर ऐसा होता है कि जो प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रो इंटेरोपैथी, इंटेरोपैथी ये है प्रॉब्लम जीआईटी की, जिसकी वजह से आप एल्ब्यूमिन को जीआईटी के जरिए लॉस करना शुरू कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रो इंटेरोपैथी। किसी भी वजह से आपने एल्ब्यूमिन के लेवल को कम कर दिया, तो उस एल्ब्यूमिन कम हो गया तो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम से कम होगा, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम से कम होगा तो वेसल्स के अंदर फ्लूइड की रीअब्सॉर्प्शन कम से कम होगी, तो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा रीनल हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी, किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम से कम मिलेगा, जब किडनी की तरफ ब्लड कम से कम मिलेगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम चलेगा, जिसकी वजह से मजीद ज़्यादा फ्लूइड की रिटेंशन होगी,
लेकिन वो फ्लूड भी किसी काम का नहीं होगा, बल्कि वह एडिमा को और बढ़ा देगा, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन है ही नहीं, तो वो उसको रिटेन नहीं कर पाती। तो पहले हम अजान सुन लेते हैं, फिर इसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसको हम पार्ट टू से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना।